हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरोडैक्टिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, क्या इस पर्सन के साथ आपका जो भी रिश्ता था वो रिश्ता अभी भी बचा हुआ है, या ये रिश्ता पूरी तरह से टूट है, या अभी जैसे भी हालात हैं आप लोगों के बीच में इस रिश्ते को लेकर, क्या इस रिश्ते के वापस से जुड़ने की कोई उम्मीद है या नहीं है। तो ये जो ढेर सारे सवाल आपके मन में चलते रहते हैं आपके पर्सन के साथ जो भी रिश्ता है उसको लेकर, तो वो डाउट्स यहाँ पर क्लियर करे जाने की कोशिश करी जा रही है। ठीक है, आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा कि रीडिंग जो भी होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का या लड़की कोई भी ये रीडिंग देख सकता है। ठीक है, उसके अलग गाइज, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको रीडिंग पसंद आती है, कनेक्ट कर पाते हैं आप अपने आप को इस रीडिंग से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके पास अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। और जो लोग मेरे साथ चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड देना नहीं भूलिएगा उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को, जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। ग्रेटिट्यूड देने में कंजूसी नहीं दिखाइएगा, लौट फिर कर आप ही के पास आनी है, चाहे फिर वो माध्यम कोई भी कैसे भी क्यों ना हो। तो रिश्ता टूटा कैसे, सबसे पहले इस सवाल को जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा डिटेल में रीडिंग हो सकती है, लेकिन जितने भी डाउट्स क्लियर करे जाएं वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आप लोगों के बीच में रिश्ते के टूटने की वजह क्या है, इसके पीछे ऐसा क्या है। और अगर ये वजह आपसे मिलती है, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं इस वजह से, तो आप रीडिंग को जारी करके रख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ही शॉर्ट में देखेंगे, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। ओवरऑल एनर्जी है करेज। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्केंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। उसके अलग गाइज, मैं पर्सनल रीडिंग भी लेती हूँ। अगर आपको मुझसे पर्सनली रीडिंग लेनी है तो आप ईमेल आईडी के थ्रू, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई जाएगी, आप उसके थ्रू मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। उसके अलग मेरा कोई और नंबर नहीं है। तो अगर कोई मेरे नाम से अपना नंबर आपको प्रोवाइड करा रहा है या करा रही है, तो कृपया कर आप उन पर भरोसा मत कीजिएगा। मेरी बस एक ईमेल आईडी है जो आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो। ठीक है, एंड ओवरऑल एनर्जी है जस्ट ब्रीथ। तो सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस करेंगे। ये जो भी एनर्जीज होंगी ये उसी पर्सन की होगी जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनके साथ आपका रिश्ता टूटा था। तो यहाँ पर जो मेजरली एनर्जीज है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एरीज, लियो एंड सजटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। तो ये यहाँ पर मेजरली एनर्जीज हैं। उसके अलग अभी और कार्ड्स भी निकाले जाएंगे, तो एनर्जीज ओवरऑल सभी हो जाती हैं घूम फिर कर, क्योंकि काफ़ी सारे कार्ड्स निकाले जाते हैं। नंबर मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए 4 और 8, यानी कि अप्रैल और अगस्त मंथ, ये बेहद इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में जुड़े हुए हैं। जैसे 8 साल का रिश्ता था, 4 साल का रिश्ता था, 8 महीने, 4 महीने से किसी तरह की बातचीत आप लोगों के बीच में नहीं हुई है, या इतना वक्त हो चुका है इस रिश्ते के टूटने को लेकर, तो इस तरह से आपको नंबर या मंथ लेकर चलने होंगे। इस पर्सन के बारे में बात कर ली जाए तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पर्सन थोड़ी मैस्कुलिन एनर्जी में रहते हैं, यानी कि इन्होंने आपको हमेशा ऐसे ही दिखाया होगा कि ये सब कुछ कर सकते हैं, काफ़ी मैच्योर टाइप के ये हैं, यानी कि ये आपकी लीड ले सकते हैं, रिलेशनशिप की लीड ले सकते हैं। जब भी इस रिश्ते में कोई दिक्कत आएगी, जब भी इस रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम आएगी, तो ये तुरंत उस चीज़ को
डील कर लेंगे, इन्होंने हमेशा आपको अपनी ये एनर्जी दिखाई, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर ये एनर्जी इस पर्सन की थी नहीं। ये डेफिनेटली है मैस्कुलिन एनर्जी, लेकिन ये पर्सन अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को कभी भी जान नहीं पाए, कभी भी पहचान नहीं पाए, यानी कि जितनी इनके अंदर हिम्मत है ना, उतनी ये पर्सन हिम्मत का इस्तेमाल नहीं कर पाए, और उसकी वजह है इस पर्सन का किसी और के कंट्रोल में रहना, इस पर्सन के पैरों में किसी और के नाम की जंजीरें बंधी रहना, किसी और की शर्तों के इन्फ्लुएंस की जंजीरें बंधी रहना। फिर चाहे ये जो जंजीरें हैं इनके पेरेंट्स ने बांध रखी हो, या रीति रिवाज, ट्रेडिशनल, कास्ट, स्टेटस, उस नाम की जंजीरें हों, या आप लोगों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेज हो उस नाम की जंजीरें हों, तो इस पर्सन को पता था जब आप लोग एक रिश्ते में आए कि आप दोनों के रिश्ते के जो रास्ते हैं ना, वो इतने ईजी नहीं रहेंगे, आगे चलकर बहुत ज़्यादा दिक्कत रहेगी, लेकिन इन्होंने हमेशा आपको ये जाहिर करा कि ये उन रास्तों को क्लियर कर पाएंगे, लड़ पाएंगे आपके लिए, अपने रिश्ते के लिए, लेकिन अल्टीमेटली जो था वो हुआ। इस रिश्ते में यहाँ पर इस पर्सन के पैरों को बांधा गया और ये रिश्ता आपका टूटा। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन ना सबसे पहले इंसान थे चूहे की तरह भागने के मामले में, मूव ऑन करने के मामले में, या करेज ना दिखाने के लिए। तो बेसिकली आप लोगों का रिश्ता जो टूटा ना, उसमें सबसे बड़ी वजह ये खुद हैं, क्योंकि इस पर्सन ने हिम्मत दिखाई ही नहीं। इस पर्सन को जब ये लगा कि अब इस रिश्ते में डील नहीं कर पाएंगे, एक्शंस नहीं ले पाएंगे, लड़ नहीं पाएंगे, तो इस पर्सन की खुद से सांस लेनी भारी पड़ गई, और इस पर्सन ने अपने आप को दूर करना, मूव करना ज़्यादा इजी समझा। अब वो बात और है कि इन्होंने ये चीज़ें क्लियर करके आपको, आपसे दूरी मेंटेन करी हो, रिश्ते को तोड़ा हो, या आपको क्लियर करके ये दूरियाँ इन्होंने ली हो, यानी कि आप लोग मैरिड हो या अनमैरिड, जब आप लोगों के बीच में इश्यूज़ शुरू हो गए, फैमिली का ड्रामा शुरू हो गया, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट शुरू हो गए, डिफरेंसेस हाइड होने की बजाय डिफरेंसेस आगे आने लगे, तब इस पर्सन ने उन चीज़ों से लड़ने की जगह उससे अपने आप को आज़ाद करने का डिसीजन लिया। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इसकी वजह ये थी कि इस पर्सन को समझ में आ रहा था कि ये नहीं लड़ पाएंगे, ये जंजीरों को नहीं तोड़ पाएंगे, कुछ भी चीज़ बदल नहीं पाएंगे, और इसी रीज़न की वजह से ये रिश्ता टूटा। इस रिश्ते में ट्रांसफॉर्म डेफिनेटली आया, ये रिश्ता बदला, बिल्कुल बदला, लेकिन ये रिश्ता बदला ख़त्म होने की तरफ, एंडिंग की तरफ ये रिश्ता बढ़ा, और कहीं ना कहीं इस रिश्ते में आपके पर्सन ने सबसे पहले भागने का डिसीज़न लिया, अपने आप को दूर करने का डिसीज़न इन्होंने सबसे पहले लिया। हीलिंग बिगिंस मूविंग ऑन, तो मूव ऑन करने वाले यही पर्सन थे, करेज ना दिखाने वाले यही पर्सन थे, लीड ना लेने वाले यही पर्सन थे, और रिश्ता तोड़ने भी अल्टीमेटली यही पर्सन हुए, चाहे फिर वो कैसे भी हालात क्यों ना हो। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन से आपने बहुत ज़्यादा कोशिश भी करी कि जो भी चीज़ें चल रही हैं वो हील हो जाएं, या वो चीज़ें सॉल्व हो जाएं, लेकिन ये पर्सन एकदम पत्थर बनकर बैठ गए, जैसे कि सीने में दिल ही नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, कभी आपसे प्यार करा ही नहीं था, एक वक्त पे अपने आप को इतना कंट्रोल कर लिया, अपनी विल पावर को इतना कंट्रोल कर लिया इन्होंने कि अल्टीमेटली आपको यही लगा कि शायद इस पर्सन ने प्यार करा ही नहीं, ये चीज़ें दिख रही है। और उस वक्त में इनका ऐसा करने की वजह ये थी कि इनके ऊपर किसी और की नज़रें थी, चाहे वो पेरेंट्स की हो या आप लोगों के बीच में जो डिफरेंसेस थे, तो उन उस चीज़ की नज़रें हों, तो ये पर्सन उस डर से भागे सबसे पहले, ये चीज़ें दिख रही हैं, और ये रिश्ता टूटने की वजह मुझे दिखी। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि रिश्ता टूटने के बाद इस पर्सन का अब क्या सोच रहा है इस रिश्ते को लेकर, करंट में क्या ये इस रिश्ते को ठीक करने के बारे में सोचते भी हैं या नहीं, क्योंकि ये तो था पास्ट में कि रिश्ता ऐसे टूटा, रिश्ते टूटने की वजह ये थी, अब करंट में ये इसी रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं वो देखते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए करंट में व्यूअर्स के पर्सन का क्या सोचना है अब इस रिश्ते को लेकर। सिक्स ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, टेन ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्स, एंड ओवरऑल एनर्जी है फाइव ऑफ कप्स।
नंबर सिक्स यानी कि जून मंथ, नंबर फाइव यानी कि मई मंथ भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। करंट में बेसिकली ये पर्सन जहाँ पे भी हैं, जैसे भी हालातों में हैं, उन हालातों में ये पर्सन काफ़ी दर्द में दिखाई दे रहे हैं, और उस दर्द में इन्हें आपके साथ जो अच्छे पल थे, जो एक वक्त पे आप इन्हें दिखा रहे थे, समझा रहे थे, वो याद आते हैं, वो सेलिब्रेशन वाले पल याद आते हैं, वो आप लोग जो एक ज़िंदगी में एक फ्लो के साथ बह रहे थे, चल रहे थे, वो पल याद आते हैं। लेकिन साथ में इस रिश्ते में अपनी गरी हुई गद्दारी, विश्वासघात, इस रिश्ते को दिया हुआ क्लोज़र भी अब इस पर्सन को करंट में याद आता है, जो इन्हें कहीं ना कहीं जो अब इस रिश्ते में नेगेटिविटी चल रही है या जो ये रिश्ता मूव नहीं कर रहा है उसकी याद दिलाता है। यानी कि एक होप जो उस चीज को याद करके याद आती है कि इन्होंने ही इस रिश्ते को खत्म करा, इस रिश्ते को पीट इन्होंने ही दिखाई है, तो ये इनके साथ अब करंट में होता है। यानी कि करंट में इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं, इसमें बीते हुए पलों के बारे में सोचते हैं, सेलिब्रेशन को सोचते हैं, या अपने सेल्फिश बिहेवियर को सोचते हैं कि ये एक वक्त पे कितने ज़्यादा सेल्फिश हो गए थे, क्या इन्होंने इस रिश्ते का करा, जिस चीज़ को लेकर अफसोस तो होता है, लेकिन उस चीज़ को लेकर करंट में किसी तरह का जेस्टर यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। अब सवाल ये आता है कि चलो अब करंट में तो ठीक है, नहीं हो रहा, लेकिन क्या फिर भी आप इस रिश्ते के जुड़ने की, वापस से मिलने का कोई स्कोप है या नहीं है, कोई फ्यूचर है इस रिश्ते का या नहीं, यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए। द सन, द फूल, द हैंग्ड मैन एंड ओवरऑल एनर्जी है डेथ। तो देखिए बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ें बोली जा रही हैं कि जो चीज़ें बदली वो फिर से बदलेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती है कि वो बदलती नहीं है। अगर बुरा वक्त आया है तो अच्छा वक्त आएगा, अगर भरोसा टूटा है तो भरोसा फिर से जुड़ेगा भी, लेकिन उसमें वक्त ज़रूर लगेगा। यानी कि आप लोगों के बीच में जो भी रिश्ता है उसमें नई शुरुआत डेफिनेटली होगी, ये रिश्ता फिर से नए सिरे से स्टार्ट होगा, नई शुरुआत यहाँ पर डेफिनेटली होगी। लेकिन इस शुरुआत के होने से पहले बहुत सारी चीज़ों को इस पर्सन को सेक्रीफाइस करनी होंगी, आपको भी हो सकता है किसी पॉइंट पर सेक्रीफाइस करना पड़े। यानी कि कुछ चीज़ें जब तक ख़त्म नहीं होंगी तब तक नई शुरुआत यहाँ पर नहीं होगी, और नई शुरुआत डेफिनेटली होगी। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि भाई अगर नई शुरुआत होनी है तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको ख़त्म करनी होंगी इस रिश्ते में, चाहे फिर इस पर्सन को ख़त्म करनी हो या आपको ख़त्म करनी हो, तो कुछ कार्ड्स क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। यानी कि ये रिश्ते में अभी भी उम्मीद बाकी है, ये रिश्ता फिर से जुड़ेगा तो, लेकिन किन चीज़ों का सेक्रीफाइस एंड करने के बाद ये रिश्ता जुड़ेगा वो क्लैरिफाई करते हैं। डेथ को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए यूनिवर्स किन चीज़ों का डेथ करना पड़ेगा, यूनिवर्स गाइड कीजिए। 1, 2, 3, 4। तो देखिए यहाँ पे है ईगो, द हर्मिट, पेज ऑफ कप्स एंड रिलीज। तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों को इन्हें रिलीज करना होगा, आपको रिलीज करना होगा, तभी इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में नई शुरुआत होगी। उसमें सबसे पहले है ईगो, घमंड। जो भी आप में से सबसे ज़्यादा घमंडी है, जब तक उस इंसान ने अपने घमंड को पीछे नहीं छोड़ा, उसका डेथ नहीं करा, तब तक इस रिश्ते में नई शुरुआत नहीं होगी। अब चाहे ये घमंड आपका हो, आपके पर्सन का हो, या फिर जो आप लोगों के रिलेशनशिप में इन्फ्लुएंस डालने वाली पार्टी है उसका वो ईगो हो, तो जब तक ये ईगो ख़त्म नहीं होगा तब तक इस रिश्ते में नई शुरुआत नहीं होगी, तब तक इस रिश्ते में एक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा, ये चीज़ें बोली जा रही हैं। उसके अलग यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि जब तक आप दोनों एक दूसरे को सही से नहीं जानोगे, जब तक आप इवन अपने आप को भी सही से नहीं जानोगे, तब तक इस रिश्ते में नई शुरुआत नहीं होगी। तो शुरुआत डेफिनेटली होगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को, जिसमें सबसे ज़्यादा मेन मुद्दा है यहाँ पर ईगो का, क्योंकि देखो आप लोगों के बीच में जो भी डिफरेंसेज है वो डिफरेंसेज इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, उसकी जगह यहाँ पर ईगो है सबसे ज़्यादा वजह। चाहे फिर वो पर्सन जो है उनका वो ईगो हो कि भाई नहीं, हम यहाँ पर नहीं दब सकते, हम इस जगह पर नहीं मान सकते हैं, तो वो चीज़ें। तो जब तक इन चीज़ों का एंड नहीं होगा तब तक डेफिनेटली एक नई शुरुआत नहीं होगी, लेकिन गुड थिंग इज़ कि शुरुआत ज़रूर होगी और इन चीज़ों का एंड भी यहाँ पर होगा, घमंड डेफिनेटली टूटेगा।
द हैंग्ड मैन को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए यूनिवर्स हैंग्ड मैन के मामले में. 1, 2, 3, 4. तो यहाँ पे है 8 of Swords, द मून, 2 of Wands एंड 4 of Pentacles. तो क्या चीज़ें इन्हें सेक्रीफाइस करनी होंगी. बेसिकली सबसे पहली चीज़ है जो ये अभी कंफ्यूज हुए पड़े हैं ना कि क्या करना चाहिए, किस डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए, क्या कदम लेना चाहिए, उस कंफ्यूजन को इन्हें अपने दिमाग से पूरी तरह से निकाल देना होगा. जिस इंसान के थ्रू ये पर्सन मैनेज हो रहे हैं, जिस इंसान के ये पपेट बने हुए हैं, जिस इंसान की झूठी सच्ची बातों में आ रहे हैं, उसके कंट्रोल को इन्हें सेक्रीफाइस करना होगा. यानी कि वो इंसान इन्हें इस कदर झूठी सच्ची कर रहे हैं कि ये पर्सन अपने दिमाग को स्टक महसूस करते हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं. तो यहाँ पर सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत है उस इंसान को ही, उस इंसान के कंट्रोलिंग एनर्जीज को इन्हें सेक्रीफाइस करना होगा और एक सटीक डिसीजन लेना होगा, तभी ये रिश्ते में वापस से नई शुरुआत होगी. तो भाई देखो, शुरुआत डेफिनेटली होगी. ऐसा मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि शुरुआत नहीं होगी विद विद दिस द सन एंड द फूल कार्ड. लेकिन जो चीज़ें अभी रोड़ा बनी हुई हैं, उन चीज़ों का एंड तो यहाँ पर होना ज़रूरी है, वरना ये चीज़ें रिपीट एंड रिपीट आपकी लाइफ में आती चली जाएंगी, ख़त्म होने का नाम नहीं लेंगी. इसीलिए इन चीज़ों का ख़त्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है. ठीक है, देखिए मैक्सिमम मुझे टाइम ये दिखाई दे रहा है कि 1 month आप लोगों के रिश्ते को वापस से जुड़ने में लग जाएगा आराम से. ठीक है, जब भी आपके सामने ये रीडिंग आती है उसके 1 month तक आप लोगों को थोड़ा सा संभल कर रहना होगा, थोड़ी सी अपनी सोच को मैनेज करके रखना होगा, यानी कि पॉजिटिव आपको सोचना होगा. और 1 महीना डेफिनेटली यहाँ पर लगेगा अभी आप लोगों के रिश्ते को वापस जुड़ने में, इस रिश्ते में वापस से ट्रांसफॉर्म आने में, क्योंकि इतना ज़्यादा ईजी ना तो इस पर्सन के लिए है और ना ऐसे हालात अभी आप लोगों के बीच में चल रहे हैं जिससे ये कहा जाए कि चीज़ें बहुत जल्द सही हो जाएंगी. तो डेफिनेटली इस रिश्ते में जुड़ने की अभी उम्मीद बाकी है, ऐसा नहीं है कि रिश्ता जुड़ेगा नहीं, लेकिन हाँ देर ज़रूर लग रही है, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट जो है वो फेवर में ही होगा आपके, ये क्लियरली यहाँ पे बताया जा रहा है. ठीक है, तो ये थी मेरी रीडिंग. आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो आप अपने आप को इस रीडिंग से. अगर क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूँ और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे. आज के लिए बस इतना ही. ओके, बाय बाय.